क्राइम ग्लोरी न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं चावला के मशहूर अमृतसरी चुरचुरनान, चौक मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली। और पहाड़गंज की मशहूर एवं पुरानी दुकान शुद्धता की पहचान, कश्मीर स्वीट शॉप, चौक मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, नई दिल्ली। हमारी विशेषता है चुरचुर। हथियार बंद लुटेरों ने बिजनेसमैन सतीश सहगल के ऑफिस में घुसकर बंदूक की नोक पर 2,40,000 रुपए कैश लूटकर हवाई फायरिंग करके मोटरसाइकिल से मौका ए वारदात से फरार हो गए। द्वारका उपायुक्त संतोष कुमार मीणा की कमांड में लूटपाट की शिकायत के आधार पर द्वारका ऑपरेशन ACP विजय सिंह के दिशा निर्देशन में स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर नवीन कुमार की अगुवाई में SI हरि सिंह, SI रंजीव त्यागी, ASI उमेश कुमार, जयबीर, ASI हंस कुमार, कांस्टेबल कुलभूषण, संदीप, जगदीश और रवि की टीम ने तत्परता दिखाते हुए वारदात वाली जगह से CCTV फुटेज को दूर तक खंगालते हुए अपने सूचना तंत्र माध्यमों व स्थानीय जानकारी जुटाते हुए फुटप्रिंट को ट्रेस करना शुरू किया। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी साई बाबा मंदिर के पास आने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने बिना समय गवाए साई बाबा मंदिर के पास जाल बिछाते हुए तीनों आरोपियों को धर दबोचा, जिसके बाद आरोपियों की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, एक कंट्री मेड पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, एक नकली पिस्तौल, हेलमेट, वारदात में इस्तेमाल कपड़े, मोटरसाइकिल जब्त कर तीनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। द्वारका DCP संतोष कुमार मीणा के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रिंस, 23 साल, BA लास्ट ईयर का छात्र, निवासी हीरा पार्क दिचाऊ से, दूसरा मुकेश, 26 साल, पूर्वी कृष्णा विहार नजफगढ़ से, अभिषेक उर्फ अभी, 21 साल, गोपाल नगर नजफगढ़ से है। पुलिस की कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि बुरी संगत में पड़ने के कारण वे नशे के आदी थे और अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए पैसों की पूर्ति हेतु तीनों मुजरिमों ने पीड़ित सतीश सहगल को अपनी लूट का निशाना बनाया। लूटपाट करने से पहले उन्होंने अपने दोस्त को कार से थोड़ी दूर पर इंतजार करने को कहा। कैश लूटने के बाद तीनों ने पुलिस को चकमा देने के इरादे से बाइक और गाड़ी आपस में अदला बदली की। वारदात में इस्तेमाल हुई होंडा सिटी कार, होंडा शाइन बाइक, लूटा गया कैरी बैग जिसमें 2,22,000 रुपये कैश बरामद कर आर्म्स एक्ट व IPC की धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपित लुटेरों से आगे की गहन तफ्तीश जारी है। ये 18 तारीख को संडे के दिन जो है नंगली डेरी है, नजफगढ़ एरिया में पड़ता है, वहाँ पर ये डेरी का काम है इनका। इनके यहाँ पर दो लोग आए मोटरसाइकिल पर बैठ कर और वेपन दिखाकर इनसे जो है तकरीबन 2.5 लाख की लूट करके चले गए। उनको रोकने की कोशिश भी करी जो आसपास के लोग थे, उस दौरान उन्होंने जो वेपन भी शो किया और इसके बाद जो है तलाश जारी की गई इनकी। और इसके दौरान पता लगा कि पहले भी उनके साथ एक हादसा इस तरीके का हो रखा है, तो उस एंगल पे भी काम किया गया बट उस पर कोई क्लू नहीं चला। CCTV सर्विलेंस पे काम किया गया पर लेकिन क्रिमिनल जो हैं वो डॉज करने की कोशिश कर रहे थे। एंटिसिपेट किया उन्होंने कि पुलिस CCTV पे काम करेगी और CDR पे काम करेगी, तो उससे हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए। उसके बाद हमने लोकल सर्विलेंस और इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमें इन्फॉर्मेशन आई कि कुछ लोग थे जो इस तरीके की प्लानिंग कर रहे थे और जो है इन्होंने जो है हमें डॉज करने के लिए व्हीकल भी चेंज किया था। देन लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे इन तीन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये पहले कुछ एम्प्लॉयमेंट था इनके पास में, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था, कोई कहीं काम कर रहा था, वो एम्प्लॉयमेंट इनका चला गया। उसके बाद इन्होंने तीनों ने प्लान किया कि ये एक बार यहाँ पे आए थे नंगली डेरी में, तो उनको पता था इस चीज़ का कि इनका बिजनेस है और कैश कैरिंग का काम है इनका, तो उसके बाद इन्होंने ये प्लान किया कि इस तरीके से। विशेष संवाददाता अनीता गुलेरिया, क्राइम ग्लोरी न्यूज़, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।